राजधानी दिल्ली में जहां एक और सीलिंग पर सियासत जारी है, वहीं दिल्ली का व्यापारी अपनी दुकानों अपने उपद्रवों को बचाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान पर इकट्ठा हुआ है। बातचीत करते हैं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, क्या आज का कॉन्सेप्ट किया है और आप दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं, सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को सीधा मैसेज है कि वो सीलिंग की गहराई को समझे, व्यापारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को समझे और सीलिंग पर रोक लगाने का बिल तुरंत संसद में लेकर के आए, दिल्ली विधानसभा में लाए और सीलिंग पर तुरंत रोक लगे। सर, पहले भी कई बार आप लोगों ने बंद की कॉल की लेकिन उसके बावजूद सीलिंग रुक नहीं रही, क्या लगता है सरकार को आपकी चिंता नहीं है या फिर वास्तव में इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स हो रही है? आज के प्रदर्शन के बाद सरकार समझ जाएगी कि सीलिंग का कितना गहरा असर है और निश्चित रूप से सरकार कोई ना कोई इस पर कदम उठाएगी। काफी बड़ी रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई गई है और व्यापारियों को उम्मीद है कि इस रैली के बाद कहीं ना कहीं व्यापारियों को राहत जरूर मिलेगी। कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।